दोस्तों, आपने समुद्री जहाज तो बहुत सारे देखे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े जहाज को चलाने के लिए इसका इंजन कितना बड़ा होगा और वह जहाज के कहां पर लगाया जाता है? तो दोस्तों, समुद्री जहाज लाखों टनों का सामान लेके जाते हैं और इसके इंजन को जहाज के आगे लगाया जाता है। दोस्तों, इसका इंजन इतना बड़ा होता है कि अगर इसको जहाज के आगे या पीछे लगाया जाए तो ज्यादा लोड होने के कारण जहाज एक तरफा झुक जाएगा। जब इसके इंजन को जहाज के आगे लगाया जाता है तो जहाज जितनी लंबी होती है उतनी बड़ी इंजन से कनेक्ट प्रोपेलर शाफ्ट लगाई जाती है जो जहाज के पीछे लगे पंखे को घुमाता है। जैसे ही पीछे लगा पंखा घूमता है तो जहाज आगे की ओर बढ़ती है। दोस्तों, इसका इंजन इतना हैवी है कि जब जहाज पनामा नहर पर पहुंचती है तो जहाज के इंजन को बंद करना पड़ता है, क्योंकि इंजन इतना हैवी है कि नहर को भी तोड़ सकता है। इसलिए पनामा नहर में जहाज को खींचने के लिए ट्रेन के इंजन का प्रयोग करते हैं जो नहर के किनारे लगी रहती हैं। तो दोस्तों, कुछ नई चीज जानने और सीखने को मिली तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।